कैसा लग रहा है बस चलने के बाद? यार मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी रवि से कि वो इतना अच्छा काम कर देगा, पर अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेट काम हो गया। भाभी देखो गाइस, शुरू में ये लोग मुझे गाली दे रहे थे कि मैंने कैसे बस बुक कर दी, मतलब बहुत उल्टा सीधा कहा मुझे भी, प्लस ड्राइवर को, प्लस बस सर्विस को, प्लस मेक माई ट्रिप को। अब इनको सब कुछ अच्छा लग रहा है, देखिए बस मिल चुकी है, अच्छी खासी बस। किसने बोला? हालांकि बस वो नहीं है जो हमें चाहिए थी, उस बंदे ने रिप्लेस करके दूसरी बस, हम बस हमारे को पर सही है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस अपन यहाँ रुके थे डिनर करने रात का, ये हो रही है हमारी बस। अरे गाइस अपन राम झूला की तरफ जाते हुए, तो गाइस ये आ चुके हैं हम राम झूला। राम शहर जाएगा ना, राम राम नाम है इसका। कोई दर्द तो नहीं भाई, इस पानी के बहाव देखो, बंदे बह जाते हैं ऐसे, तैर नहीं पाएगा। क्या ब्रो? प्योर है तो तैर जाएगा। क्या बोला फिर से बोल? अगर तू पापी हुआ तो तैर नहीं पाएगा। अगर अच्छा। हमने ज्यादा फेंक दिया। अच्छा, अगर तू प्योर है तो तैर जाएगा। तो एक काम करते पहले ना, आइयो राम, रवि पकड़ एक काम करते पहले तेरे को फेंक के देखते हैं। रवि पहले डेमो तो दिखाई, बंदे पकड़ो, रवि टांगे पकड़ो, हां पकड़ ले मेरे। तो गाइस अभी हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं, एंड आगे से लेफ्ट में एक पुल मिलेगा, वहां से हम क्रॉस करके वहां से गाड़ी लेंगे। हमने मैप देख लिया कैंप का अपने, बस आगे थोड़ा सा और मैं तुम्हें लोकेशन दिखाता हूँ। देखिए हमने स्कूटी कर ली हायर, कैब तो मिली नहीं, स्कूटी हायर कर ली, एंड अभी स्कूटी हायर कर ली, जहाँ से अब सीधा हो लेंगे ऊपर जहाँ हमारा कैंप है, एंड यहाँ से सीधा ऊपर जाना है बहुत, 10 किलोमीटर का रास्ता है। चलो जैसे कि हम पहुंच चुके हैं इधर अपने कैंप पे, मतलब लग गया इधर हमें आधा घंटे से ज़्यादा लग गया, स्कूटी हमने हायर करी थी, एंड गाइस देख रहे हो कैंप ही कैंप है इधर, बस नीचे जाना है, तो चलो नीचे चलते कैंप दिखाते हैं अभी आपको। गाइस ये कैंप है अपना, बंदे अभी आ रहे होंगे धीरे धीरे, हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए, 2 घंटे पहले पहुंच गए, और ये हमारे टेंट राइट एंड लेफ्ट साइड में कपड़े सूख रहे इधर बंदों के। फाइनली हमें कैब कैंप पे मिल चुका है, और इन्हीं में से कोई एक होगा हमारा कैंप। व्यू देखो, व्यू चेक करो तुम यार, पाम ट्री। कूलर चलेगा ना अभी, लाइट नहीं है, बाकी बढ़िया है, ये कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अभी कूलर चलेगा, ठंडा हो जाएगा थोड़ा, लाइट जा रखी है, और ये रेड पोश वॉशरूम भाई, पूरा रेड रेड हो रखा। गाइस कैंप पे एंट्री तो कर लिया, एंड थोड़ा पीछे आके चेक करने जा रहे हैं कि क्या है वो पीछे, और गाइस ये बैक साइड है हमारे कैंप के, बैक साइड, और राइट में भी एक कैंप है, इधर कैंप ही कैंप है, जहाँ देखो कैंप ही कैंप देखो, लेफ्ट में दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा है। भाई साहब ये देखो एक बार मौसम चेक करो, मौसम मतलब जब मर्जी बारिश वगैरह जब मर्जी आ सकते हैं इधर। गाइस अभी हम रिवर में नहा रहे थे और एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, तो बारिश स्टार्ट होने के बाद हम भगते हुए आए वहाँ से, पूछो मत। और गाइस बाहर देखो एक बार, मौसम देखो एक बार, क्या सेक्सी मौसम हो रहा भाई, गजब। ये गाइस फुल स्विमिंग पूल के मजे लेने वाले हैं, सारे देख तो लेता है। We'll be right back.
तो गाइस ये आ गया अपना खाना। हाँ भाई मजाक कर रहा था। सही है गाइस, पूरा दिन जब से आए हम सुबह से ही बारिश हो रही है, इधर बाहर भी नहीं निकल पा रहे हम। पर थोड़ा बहुत स्विमिंग पूल में नहाया था। पूरा दिन बारिश हो रहा है ना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर, अब जाके बारिश बंद हुई है और फाइनली हम बाहर जा रहे हैं थोड़ा मतलब मार्केट वगैरह घूमने, और थोड़ा देखने जा रहे हैं कि कुछ बार हो कुछ खाने पीने का। तो अभी अपन जा रहे हैं चढ़ाई चढ़ के एकदम टॉप की ओर। तो गाइस फाइनली हम ऊपर चढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा नीचे था। कितनी बार बारिश हुई है यहाँ पे? ऊपर हम 100 पे हाथ हो गए, बट जहाँ पे आते ही तेज़ की बारिश आ गई एंड हम यहाँ फंस गए। अपन आ चुके हैं वापस अपने कैंप की तरफ। तो गाइस ये आ चुका है हमारा स्नैक्स, एंड अभी हम स्नैक्स वगैरह खाएंगे, देन उसके बाद डिनर होगा रात में 8 बजे के बाद। तो प्रिंस कैसा लगा फिर पकौड़े, ऋषिकेश के पकौड़े वहाँ से मिल रहे हैं, जितने खाने खा सकते हैं। और ये अपना कैंप, 1 घंटे लगे रहेंगे ये हो चुका है डिनर स्टार्ट, एंड बच चुके 9:30। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर करें, देन डिनर खा के 4 सोने, एंड उसके बाद मॉर्निंग में जगेंगे, देन उसके बाद फिर हम बताएंगे आगे क्या करने चाह रहे हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बज चुके हैं 6 और हम सब उठ चुके हैं। जैसे कि सब देख सकते हैं पीछे का नज़ारा, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा और सोचो हम लोगों ने कितनी इन्जॉयमेंट करी होगी यहाँ पर। ये देखिए, देखिए फॉग पहाड़ों से निकल रहा है। गाइस ऐसे मौसम में मॉर्निंग में सुबह सुबह अगर तुम्हें चाय मिल जाए भाई साहब कसम से ना अलग ही लेवल का बूस्ट मिल जाता है। अभी हम चाय पियेंगे, फिर एक और चाय पियेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह की वेट करके ब्रेकफास्ट करके फिर नहा धो के निकलते हैं। पहले नहा लेते हैं, पहले नहा लें फिर ब्रेकफास्ट करके नहाएंगे। पहले तो नहाना चाहिए। चलो सही, ये भी सही कह रहा है, सुन लेते भाई, पहले नहा लेंगे फिर उसका खा लेंगे फिर निकल लेंगे। बस उस अभी तो बुक नहीं करिए, बस हम बुक कर रहे हैं और उसके बाद बस बुक करने के बाद फिर निकल लेंगे यहाँ से कैब पकड़ के। चलो गाइस ओके बाय। तो गाइस अपन ब्रेकफास्ट किया और इसको तो बहुत सड़ी गए और किसी चीज़ में उठे ना उठे और ब्रेकफास्ट का आराम से उठ जाता है। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो जाए, हम पहले हमने खाया ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, देन उसके बाद फिर हमने नहा लिया, एंड अब बैग पैकिंग चल रही है सबकी। इसने बैग पैक कर लिया है, इसके बच्चे हुए हैं और मेरा भी पैक है, बस एक जीन्स रखनी है अंदर, बाकी सारा पैक हो चुका है। एंड अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है। गाइस तो अब हो गया बाय बाय और अलविदा कह रहे हैं हम यहाँ इस कैंप को। भाई कसम से बहुत मजा आया इधर, एंड अब यहाँ से जा रहे हैं बस की तरफ, बस की तरफ जा रहे हैं, एंड वहाँ से बस पकड़ के फिर हम जाएंगे रामझूला, रामझूला से फिर जाएंगे हम बस स्टैंड। तो ये आधे घंटे लग जाएगा, तो 12 बजे तक पहुँचेंगे वहाँ तक। तो गाइस अपन ऊपर से नीचे उतर तो गए हैं, भाई साहब एक टैक्सी मिली शेयरिंग टैक्सी, एंड उसके अंदर अब सारे बैठ गए। अब जा रहे हैं नीचे से, यहाँ रामझूला नीचे है, एंड रामझूला में कुछ शॉपिंग वगैरह करके सीधा बस स्टॉप जाएंगे, एंड वहाँ से बस पकड़ के सीधा अपने घर। यार हम बड़ी मुश्किल से यार एक बस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप अगर देखते वहाँ पे ऐसे कुत्तों की तरह चढ़े बस में, वो एक के ऊपर एक चढ़ के चढ़ रहे हैं, बताओ ये कोई तरीका? दो लड़े, दो बंदे तो लड़ रहे थे कि जगह है नहीं जगह है, जगह है नहीं जगह है।
जालिम लोशन ये मजबूर है पर आपने तो गाइस 3 बज रहे हैं और रात को यहाँ पे रुका है, हम इस ढाबे पे रुके हैं और कोई भी नहीं इधर भाई, सब बस गाड़ियाँ चल रही हैं एकदम तेज तेज और हमारी बस रुकी है बस यहाँ पे शिवा टूरिस्ट ढाबा पे, और अब इसके बाद सीधा आई एस बी टी।